सभी को नमस्कार। ठीक है, कार्य और समय का जो सिलसिला चल रहा है उसी पर थोड़ा सा आगे बात करते हैं। टाइम एंड वर्क और टाइप शायद 4 होगी, आप चेक कर लीजिएगा। आज मैं इस टॉपिक के एक नए टाइप की बात करूंगा। जितने भी टाइप होते जा रहे हैं, आप किसी भी बुक से उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाएं। टॉपिक लास्ट होते होते तक वो सभी क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, किसी भी बुक का आप उठा रहे हैं। एक क्वेश्चन था, किसी स्टूडेंट का डाउट है और इससे पहले जो हमने टॉपिक को लिया वो प्रॉफिट एंड लॉस था, उसका डाउट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, फिर इसके बाद मैं टॉपिक पे आता हूँ। क्वेश्चन था कि कोई व्यापारी दो वस्तुओं को ए और बी को बेचता है, पहली वस्तु को उसने 37.5% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तथा दोनों ही वस्तुओं पर डिस्काउंट देता है, पहली वस्तु पर 16.3% का तथा दूसरी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देता है। यदि दोनों ही वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 में रहा हो तथा दोनों वस्तुओं का दोनों वस्तुओं के मार्केट प्राइस का डिफरेंस अगर 207 रुपए हो, तो मैं आप क्वेश्चन से पूछूंगा भाई क्या क्या पूछ सकता है मुझे, आपके किताब में क्या था, किसी ने डाउट पूछा उन्होंने क्या पूछा, उस पर बात नहीं करूंगा। मैं पूछूंगा कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पहला टोटल प्रॉफिट बताइए, ठीक है, फिर दूसरा क्या पूछ सकता है, सीपी ए का कितना था, सीपी बी का कितना था, सेलिंग एसपी ए का कितना होगा, एसपी बी का कितना होगा, ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल प्रॉफिट तो मैंने लिख दिया, सीपी अलग अलग पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है प्रॉफिट का अमाउंट, ठीक है, प्रॉफिट का अमाउंट टोटल आ गया, प्रॉफिट ए का प्रॉफिट बी का इंडिविजुअल पूछ सकता है, और आपसे क्या पूछ सकता है, डिस्काउंट कितने का दिया गया, डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया है, टोटल डिस्काउंट पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है एमपी ए का और एमपी यानी कि मार्केट प्राइस बी दोनों का मार्केट प्राइस पूछ ले, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कितना घुमाया गया है, यही तो होता है, ऐसा लगेगा इतना कठिन क्वेश्चन हम तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और आपकी ग्रुप में क्वेश्चन आता है और आपकी खामोशी देखकर ऐसा लगता है कि आपकी सक्सेस का तमाशा आपका पड़ोसी जरूर बनाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के लिए था और लोग इतना खामोश बैठे जैसे ये क्वेश्चन मेरे लिए आया हो, सतर्क हो जाओ, अभी भी वक्त है, वरना यही बोलते रह जाओगे सर समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, पढ़ना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आया है तो समझ में आए या ना आए उलझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने से मेरा कोई फायदा नहीं है, पर आप अगर कोशिश करोगे गलत कर रहे हो तो उससे आपका भला है, आपका फायदा है, नहीं तो आपकी सक्सेस पर आप शोर मचाओ या ना मचाओ आपका पड़ोसी जरूर तांडव करेगा, ध्यान रखना इस बात का। चलो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन अगर किताबों में देखा जाए तो गौर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया है, मुझे ये पता है कि भैया अगर सीपी को मैं 4:5 में लिखा देख लिया तो यार 0 लगाने में कोई गुनाह नहीं है, रेशियो में बदल सकता हूँ, कुछ कितने भी 0 लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है भैया, जब मैं x मान सकता हूँ 4x 5x तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ इसको, तो मैंने कहा 400 500 है, फिर मैंने कहा ये तो सीपी होगा और एसपी जो भी होगा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, पहली वस्तु पर 37.5% और 37.5% को मैंने 3/8 लिखवाया, परसेंटेज की नोट देख लो, इसको मैंने 1/6 लिखवाया, परसेंटेज की नोट देख लो, इसको मैंने 1/5 लिखवाया है, इसको मैंने 1/5 लिखवाया, कैसे आया ये आप परसेंटेज की क्लास पर जाकर देख सकते हैं। अब तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं, अगर 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब सीपी अगर 8 होगा, प्रॉफिट अगर 3 होगा तो एसपी 11 होना चाहिए, बात समझ में आई, मैंने कहा ये 400 वैल्यू 8 की मुझे चाहिए 11 की,
₹550 इसका सीपी हो एसपी हो गया, और यहाँ पर मैं बोलूँ तो 550 वैल्यू 5 की मुझे चाहिए, 6 की यानी कि 600 इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। यहाँ तक कहानी क्लियर है। फिर इसके बाद मुझे ये पता है कि यार डिस्काउंट भी है, और डिस्काउंट सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच क्या रिलेशन होता है कि मार्केट प्राइस से निगेटिव यानी कि लेस करते हैं तब जाके मुझे सेलिंग प्राइस मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ 16 सही 2/3 में से अगर 1/6 है तो ये वैल्यू 5 की रही होगी, क्योंकि ये तो मार्केट प्राइस हुआ, ये डिस्काउंट हुआ, और 5 आपका सेलिंग प्राइस होगा। मैंने कहा सेलिंग प्राइस वैल्यू 5 की चाहिए मुझे, 6 की यानी कि 110 और 60 ₹660। इसी तरह अगर मैं बोलूँ तो ये वैल्यू 4 की मुझे चाहिए 5 की यानी कि 150 और 15 पर ₹750। अब आपसे क्वेश्चन जो मर्जी पूछना चाहे बेटा पूछ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मुझे ये दे दिया है, और लास्ट में मैं आऊँगा क्वेश्चन में एक वैल्यू जरूर दी होगी। क्वेश्चन की एक खासियत है कि क्वेश्चन में एक वैल्यू जरूर दी होगी, उस वैल्यू से तो मैं किसी भी क्वेश्चन का 207, मैंने कहा ये 207 है क्या, तो आप बोले सर दोनों वस्तुओं के मार्केट प्राइस का डिफरेंस है। अरे मैंने कहा यहाँ से कितना बेटा, आप बोलोगे 90, मैंने कहा ये 90 की वैल्यू है, आप बोलोगे सर 90 की वैल्यू है, हमसे तो पूछा है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मतलब कि 400 से 150, यहाँ पर 100 यानी कि मुझे तो चाहिए 250 की वैल्यू, आप कैलकुलेट करें 575 आपका उत्तर आएगा। ये तो क्वेश्चन था, मैंने कहा आपसे पूछा सीपी ऑफ ए, तो ये बटन आपको ऐसे ही रखना है, 207 वैल्यू 90 की, आपसे पूछा है सीपी तो आप बोलोगे 400 रख दो यहाँ पर, आपसे पूछा है सीपी बी तो आप यहाँ पर 500 रख देना, आपसे पूछेगा डिस्काउंट सर कितने का दिया गया, तो आप यहाँ से देखना कितने का डिफरेंस है, आप यहाँ से देखना 110 का है तो आप यहाँ पर रख देना पहली वस्तु पर इतने रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, दूसरी वस्तु पर डिस्काउंट कितने का दिया होगा तो यहाँ पर आप रख देना 150। पूछे जो क्वेश्चन पूछना हो उसकी जितनी हैसियत हो जिस लेवल तक उसे क्वेश्चन पूछना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक बटन बनाया यहाँ पर, इन्हीं रेशियो को रखता जाऊंगा, समझ में आया। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन बनाने के लिए, और इसी को अगर आप किताबों के कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो यहाँ से शुरुआत करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर एक बार मिटाकर और फिर लिखा जाएगा, तब जाके इसका आंसर निकाल पाओगे। इतनी सी बात है, अगर आपने ये सीख लिया ये, तो आप समझ सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन कितना आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पर, मिटा दें उसको, सभी लिख लें फिर आगे बढ़ता हूँ। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन इस टाइप में हम लोग लेंगे जहां पर ये बोला जाता है कि ए की कार्यक्षमता बी से इतने परसेंट अधिक है, अगर ए इतने दिन में कोई काम कर लेता है दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, कुछ इस तरह से, या बोला जाए कि ए के इतने बटे इतने समय में बी उसका इतना काम कर लेता है। विवेक मिश्रा ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा था अभी 2 दिन पहले, ठीक है, और मैं उसी टाइप पर बात करूँगा। क्वेश्चन लिखिए, ए के 1/6 समय में, ए के 1/6 समय में बी ए के 1/2 काम कर लेता है, यानी कि अगर बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम कर लेता है, यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, यानी कि आपको बी ए की तुलना में बी ए की तुलना में आधा काम कर लेता है, ठीक है, यदि दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ए अकेला या बी अकेला, बस यही पूछ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा या बी अकेला काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, सवाल बस इतना सा होगा आपके सामने, ठीक है, देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले हम टाइम लेंगे, समय, और इसके बाद इसका कार्य। मैंने कहा समय ए और बी, ए के 1/6 समय में
यानी कि एक 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 बटे छः समय में, बात ऐसे ही तो है, यानी कि अगर छः लगा तो इसके समय का एक बटे छः एक ही होगा, बी ए का आधा काम कर लेता है, बस यही क्वेश्चन लिखा है। एक बार गौर से देखें, ए के एक बटे छः समय में, यानी कि ए का अगर छः मैं मान लेता हूँ तो बी का एक होगा, अगर ए दो हिस्सा करता है तो आधा काम बी भी कर लेता है, ये बात तो ठीक है। अब मैं बोलूँगी कौन ज़्यादा इफिशियंट है, कौन ज़्यादा कार्य कुशल है, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि आप दो दिन में इतना काम कर लेते हैं और आपका पड़ोसी 50 दिन में इतना काम कर लेता है, आपको इफिशियंसी देखना है कि कौन ज़्यादा इफिशियंस है। आप बोलोगे मुझे भी 50 दिन करने दो, इसके बाद बताऊँगा, होता है जैसे ही कभी कंपैरिजन की बात होती है, तो अगर आपके पड़ोसी या आपके घर वाले ये कहें कि उनका लड़का देखो कितने अच्छे मुकाम पर है, तो आपके अंदर फटाक से जवाब आता है मुझे भी उस जगह पर भेज कर देखो ना, मुझे भी उस स्कूल में आप पढ़ाते तो फिर देखते मैं क्या करता। हमारे पास एक रीज़न होता है कि हमें भी उतना ही टाइम आप दो, बात समझ में आई। तो अगर बी ने कहा कि भैया मैं 2 दिन में इतना करता हूँ, तुम 6 दिन लेते हो, मुझे भी तो 6 दिन दिया जाए, बी ने कहा मुझे भी 6 दिन दिया जाए तो मैं बताऊंगा। तो अगर बी 1 दिन में 1 यूनिट करता है, मैंने कहा ए के बराबर समय लेगा तो इतना काम कर लेगा। अब जब इतना काम ये कर लेता है, उतने ही समय में इतना काम ये कर लेता है, एफिशिएंसी की बात की जाए तो ज़्यादा इफिशियंट बी होगा, 1:3 की इनकी इफिशियंसी होगी। यानी कि अगर इसने काम किया 6 दिन में 2 यूनिट और इसने काम किया 6 दिन में 6 यूनिट, ठीक है, अगर इतने यूनिट काम किया तो इसकी इफिशियंसी 1, इसकी इफिशियंसी 3, और अगर इफिशियंसी का रेशियो कुछ इस तरह से है, दोनों को टोटल कर दिया जाए तो 4 और दिन लगे 10, काम हुआ 40 यूनिट, और 40 यूनिट करने के लिए अगर अकेला ए करता है तो 40 दिन लगेंगे, अगर बी करता है तो 13 से 1/3 दिन लगेंगे, ठीक है। समझ में आया तो इसको लिख लें, बस बात इतनी सी है कि समय अगर ए के 1/6 समय में बी, मैंने कहा ये लो ए का 1/6 है बी का टाइम, बी इसका 2/1 काम करता है, यानी कि 1/2 काम करता है, यानी कि बी अगर 2 करेगा तो 1 करेगा, बी ने नाराजगी जताते हुए ये कहा कि भैया 6 दिन मुझे दो, अगर मुझे 1 दिन में 1 यूनिट कर सकता हूँ तो 6 दिन में 6 यूनिट कर लूंगा। फिर उसने ऐसे कहा यार तुम 6 दिन में 2 यूनिट काम किए, मैंने 6 दिन में 6 यूनिट काम कर लिया, ताकतवर यानी कि इफिशियंसी कोई इसकी ज़्यादा, तो आप बोलोगे इसकी कितने के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में, और अगर 1:3 के हिसाब से काम मिलकर करते हैं तो 10 दिन लगा, 40 यूनिट काम हुआ होगा, 40 यूनिट के साथ अगर ये करना चाहे तो 1, अगर वही बी करना चाहे तो 3, दोनों का आंसर आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, बी के द्वारा लिए गए समय बी के द्वारा लिए गए समय में ए उसके 3/4 समय में, यानी कि बी के द्वारा लिए गए समय में, समय के 3/4 समय में, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लिए गए समय के 3/4 समय में ए बी का आधा काम करता हो, 2 18 दिन में काम खत्म कर दें, तो ए अकेला या बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए के 3/4 समय में बी उसका आधा काम कर लेता है, या सॉरी बी के 1/4 समय में ए उसका आधा काम कर लेता है, ए बी का आधा काम करता है, यदि दोनों मिलकर काम 18 दिन में पूरा कर लेते हैं तो ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा या बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। सवाल बस इतना सा है।
देखिए क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है, बी के द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, मैंने कहा अगर बी को 4 लगा तो ए को 3 लगा, ठीक है, ये तो हो गया आपका समय। फिर इसके बाद उनका उन्होंने काम कितने यूनिट में किया, यानी कि उनके काम का यूनिट, तो अगर ये 4 और यहाँ पर 3 इसका आधा काम करता है, यानी कि बी ए बी का आधा काम करता है, यही तो होगा आधा। अगर ये 2 यूनिट करता है तो ये 1 यूनिट करेगा। लेकिन अब आपने देखा कि भैया ये 4 दिन में 2 यूनिट या 3 दिन में 1 यूनिट, मुझे तो रेशियो मैं निकाल ही नहीं सकता कि दोनों में कौन सा एफिशिएंट है। हाँ ये हो सकता है कि मैं दोनों को बराबर का टाइम दूं, जैसे कि अगर आपको ये बोला जाए कि क्लास में कोई किसी बच्चे का आप 6 महीने में पेपर ले लो और किसी बच्चे का आप साल भर में लो, आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा बच्चा ज़्यादा होशियार है? हो सकता है ज़्यादा पढ़ने वाले ने 6 महीने में पेपर दिया, उसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया गया होगा, साल भर जिसने तैयारी किया उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। दोनों को बराबर समय दो, इसके बाद तो पता चलेगा ना कि होशियार वास्तव में कौन है। मैंने कहा समय बराबर देना पड़ेगा। अच्छा जी ये लो दे दिया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। जब इसने कहा कि आपने इसमें 3 का किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 4 का करना पड़ेगा, ये 6 हुआ ये 4 हुआ। बी 12 दिन में 6 यूनिट काम कर पाता है और ए 12 दिन में 4 यूनिट काम कर पाता है, दोनों की एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो 3:2 होगी। अब आप सही बोल सकते हैं अगर आपने टाइम सेम कर लिया। कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम सेम करना पड़ेगा। जब आपने टाइम सेम किया तो रेशियो भी ना बदले, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो था 4:2 का था, मैंने 12:6 का लिख दिया, बोलो 4:2 ही तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 1:2 का रेशियो था, मैंने 1:2 ही तो लिखा है। यहाँ पर देखिए आप 3:1 का था, जरा काट कर देखिए 4:3 जा, यानी कि 12:4 और 3:1 में कोई फर्क नहीं है। तो हम इस तरह से एक इफिशियंसी निकाल सकते हैं, उसका ये कॉन्सेप्ट है। तो इनकी टोटल इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं तो टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, 3:2 बोले तो 5, और इसके बाद इनको काम करने में 5 इफिशियंसी के साथ भी 18 दिन लगे, बोलो 90 यूनिट काम हुआ, और 90 यूनिट करने अगर भाई साहब ए आते हैं तो 30 दिन लगा देंगे, ठीक है, और अगर बी आते हैं तो 45 दिन लगा देंगे। सवाल इससे ज़्यादा और कुछ आपके लिए नहीं होगा, या तो आंसर 30 होगा या तो आंसर 45 होगा, आप चेक कर लो पूछा किसका है, ए का या बी का, सॉरी ये बी का है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दो ये बी का है और ये ए का है, क्योंकि मैंने पहले बी को लिखा है फिर ए को लिखा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सॉल्व करें अपनी कॉपी में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरह से कर लेते हैं। बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में, यहाँ पर बस इतना सा चेंज कर लो, ए बी का आधा काम कर लेता है, अगर दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं तो ए और बी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप खुद से बनाएं। बी के द्वारा लिए गए समय के 1/3, अगर बी को 3 दिन लगे हों तो ए को 1 लगेगा, बोलो 1/3 ही तो लिखा है। फिर इसके बाद आधा काम कर लेता है, यानी कि अगर ये 2 करता है तो ये 1 करता है, मैंने कहा इसको भी 3 दो ना, बराबर दिन दो दोनों को, तो यहाँ पर भी 3 का इंटू करो, रेशियो भी मुझे बराबर रखना है, बोलो अब ठीक है इफिशियंसी 2:3 हो गई। और अगर इफिशियंसी 2:3 दोनों को टोटल करूँगा तो 5 और 10 × 2 यानी कि 50 यूनिट टोटल वर्क कौन करने आया, अगर बी करने आता है तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 25 दिन लग गए, वही काम अगर ए करने आता है तो 50/3 करूंगा और आप ठीक है 14 सही 2/3। तो ये आपके क्वेश्चन के करने की स्पीड हो, और इन क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस अच्छी है तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने पहले क्वेश्चन लिया, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो मुश्किल से 3 से 4 बार 3 से 4 डिजिट लिखने की जरूरत है, उसके बाद आप आंसर बोल दोगे सीधा। ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलें। राम एक काम को 15 दिन में कर सकता है, यदि मोहन की कार्य क्षमता राम से
50% अधिक है तो मोहन काम को कितने दिन में कर लेगा। बस इस तरह से क्वेश्चन, जिसकी कई बार ऐसे पूछ लेता है कि ये 50% इससे ज़्यादा इफिशियंट। एक क्वेश्चन लूँगा और बाकी आपके जितने भी इस तरह से क्वेश्चन होंगे आप सभी के सभी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा राम किसी काम को पंद्रह दिन में कर सकता है, ठीक है। अगर मोहन कोई एक नया फ्रेंड है इसका और वो राम से 50% अधिक इफिशियंट है, कार्यकुशल है, अगर ये राम से 50% अधिक कुशल है तो मोहन अकेले काम कितने दिन में कर लेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, दूसरा पूछ सकता है दोनों मिलकर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन का कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। इसके बाद इस टाइप में कोई और सवाल नया नहीं उठता। मैंने एक क्वेश्चन लिया और आप देखना कि इसी क्वेश्चन से आपके जितने डाउट इस तरह के होंगे कि जहां पर कोई एक किसी से 40% इफिशियंट, 50% इफिशियंट, 33.5%, 33 से 1/3, 16 से 2/7, जो लिखना है लिख दो, 12.5%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा राम 15 दिन, ये आपकी वैल्यू है, आपको ये समझना है, ये आपकी वैल्यू है, आपको इस पर काम नहीं करना। आपको सबसे पहले देखना है कि ये क्या है। मैंने कहा इफिशियंसी की बात हो रही है और राम है और मोहन है। राम यानी कि मोहन राम से 50% अधिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। अब इफिशियंसी के बाद अगर मैं बोलूँ कि इनको दिन कितना लगेगा तो इसी का उल्टा लिख देना। बोलो राम को कितना, 15, 150 की वैल्यू कितनी, 15 10 होगा आंसर, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। कोई सवाल था ये, आपको 150 और ये जो मैंने कहा 10 काट दो ना, ये लो सीधा आंसर बोल रहा है भाई, इसको 15 लगे थे इसको 10 लगेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। उल्टा क्यों किया? मैंने कहा किसी व्यक्ति को एक काम को करने में 10 दिन लगते हैं, दूसरे को 15 दिन लगते हैं। LCM की बात करूँ तो 30 होगा, और अगर इसी को मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूं 150, मुझे LCM अगर 150 ले सकता हूं तो मैं 30 का कोई भी आगे आने वाला मल्टीपल ले सकता हूं। इसकी इफिशियंसी बताएं 15, इसकी इफिशियंसी बताएं 10। अरे अगर दिन लगे तो इफिशियंसी तो उसका उल्टा आ रही है, यानी उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर रख दिया। बात क्लियर है? तो ये तो सीधा आंसर दे दिया, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसको कॉपी में लिखें, फिर मैं और इस तरह के 2-3 सवाल लेता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है, बी उसी काम को, अब आपसे हाँ ये पूछ सकता है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये इस तरह से कुछ भी लिखा है, यानी कि इसको अगर लगे 15 दिन, इसको अगर लगे 10 दिन, मैंने बताया वही कि काम आपका टोटल कितना 30 होगा, 10, 3, 2, 5, यानी कि 6 दिन में 6 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। पूछो जो पूछना है, ए अकेला 15 दिन, बी अकेला 10 दिन, दोनों मिल जाए तो काम 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बस ये आपका, कुछ भी पूछेगा आप आंसर दोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है। क्वेश्चन ये है, बी अकेला कितने दिन में कर लेगा तथा दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है और ए 21 दिन टाइम लगाता है, यानी कि ए को लगे कितने दिन, 21 दिन लगे, ठीक है। बी ए से 40% इफिशियंट है, यानी कि अधिक इफिशियंट है, 40% से अधिक इफिशियंट है, तो बी को कितने दिन लगेंगे, बी को अकेले कितने दिन या दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने कहा ये तो वैल्यू होगी, इसका मेरा अभी कोई काम नहीं है, सबसे पहले मैं परसेंट को देखूंगा कि अगर बी ए से 40% इफिशियंट है, लो जी बी ए से 40% अधिक है तो ये 100 होगा तो 140 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 10 और 7 14 लिखा और ज़्यादा करने का दिक्कत है तो मैं इसको 5-7 लिख दूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि ये 5 और 7 कहाँ से आए, क्योंकि 100 और 140 यानी कि 100 से 40% अधिक, तो 100 अगर ये है तो 140, मुझे 100 मानना है। फिर मैंने कहा कि इफिशियंसी 75 पर तो होगी, ठीक है,
और अगर इफिशियंसी 7.5 पर होगी तो ए को लगे 21 दिन, तो इसी का मल्टीप्लाई 3 है तो बी को लगेंगे 15 डेज, यानी कि 21 वैल्यू 7 की चाहिए मुझे 5 की, आंसर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे, दोनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे, तो आपने आंसर निकाला 21 और आपने आंसर निकाला 15। आप एलसीएम लेना 105, 21 पंचे 15 सत्ते 7 5 12, 105/12 आपका ये होगा, दोनों मिलकर काम को करेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछा ही नहीं, आपसे सीधा सा पूछा है कि 7 और 5 के रेशियो में अगर है तो बी को कितना दिन लगेगा, तो आप बोलोगे 7 3 21 5 3 15, लो जी आंसर। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। माना एक्स का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखिए। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी कितने दिन में कर लेगा। ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है, बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है तो बी अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा। इस क्वेश्चन की इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, आप सीधा बोलोगे 100 से 150, 150 से 100, यानी कि ये तो हो गई इनकी ये अगर इफिशियंसी है तो ये इनके दिन होंगे। मुझे ये लगा कि ये 15 की वैल्यू अगर 9 है, यानी कि 15 वैल्यू 9 की चाहिए किसकी, 10 की। आप सॉल्व कर लेना 3 से 5, 3 से 3, और यानी कि 50/3 आपका यही आंसर होगा। एक बार चेक करूँ क्या सही है, सॉरी उल्टा लिख दिया। 9 वैल्यू 15 की चाहिए आपको, 10 की, 3 से 3, 3 से 5, यानी कि 5 से 2, 3 दूनी 6, एंड आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन में मुझे ये बात समझ में आई कि इफिशियंसी जो भी दी है उसका उल्टा नंबर ऑफ डेज होंगे और ये नंबर ऑफ डेज का रेशियो होगा, यानी कि अगर यहाँ पर 15 डेज लगे होंगे तो यहाँ पर 10 लगेंगे। यार 15 तो लगे ही नहीं, लगे कितने 9, ठीक है, 15 तो लगे ही नहीं, लगे कितने 9, तो मैं कह सकता हूँ 9 वैल्यू किसकी, 15 की चाहिए किसकी, 10 की, 5 से घटा 5 3 15 5 दूनी 10, 3 से घटा 3 दूनी और 3 दूनी 6, ये तरीका आपका आंसर देने का होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताने से आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, और किताबें 100 क्वेश्चन इसी तरह के सॉल्व करवाकर आपको हैरानी पर ही रखेगी। कॉन्सेप्ट को सीखते जाओ, कंपटीशन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है और जितना लोगों ने आपको डरा रखा है। सीधा सा कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ, सीधा आपके कॉन्सेप्ट के साथ किस तरह से आप आंसर देंगे उस अप्रोच की बात करते हैं। आपको उलझाने का मकसद नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगले जो भी टाइप है उस पर डिस्कशन करूँगा। और देखिए, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करता कि मैं आपको एक टाइप के 100 क्वेश्चन कराऊँ, मैं एक क्वेश्चन करा के आपको फ्री छोड़ देता हूँ कि उस बुक में जो भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आप उसके करने के काबिल हो, आपको समस्या नहीं होगी। टॉपिक कंप्लीट अगर मैंने बोल दिया तो आपका किसी भी बुक से SI में पूछा गया क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए डिस्कशन के साथ।